हेलो फ्रेंड्स, कम्मा गणी कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको वीडियो मिलती रहे। खम्मा गणी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए राजस्थान सरकार की योजनाएं पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने राजस्थान की कुछ योजनाओं के बारे में डिस्कस किया था, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहली योजना आती है राजस्थान कौशल योजना। जो राजस्थान कौशल योजना है, ये मजदूरों के लिए गहलोत सरकार ने 5 जून 2020 को ये योजना लागू की गई थी। और इस योजना का जो पोर्टल है, राजस्थान कौशल योजना पोर्टल को राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम ने डेवलप किया है। RSLDC और इसका जो IT डिपार्टमेंट है उसने डेवलप किया है। श्रम एवं रोजगार विभाग राजस्थान की जो है ये स्कीम आती है राजस्थान कौशल योजना की। राजस्थान कौशल पोर्टल का शुभारंभ अशोक गहलोत जी द्वारा किया गया है। मजदूरों के लिए ये पोर्टल बनाया गया है और इसमें जो है कंपनियों को मजदूर उपलब्ध करवाना, मजदूरों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना और मजदूरों को आसानी से रोजगार मिल सके। 2 लाख से अधिक मजदूरों का ये पंजीयन हो चुका है अब तक इसमें, और 50 लाख तक का लक्ष्य रखा गया है। और मजदूरों का एक जगह डाटा उपलब्ध हो जाए, मजदूरों की आजीविका का ध्यान रखना है इसमें, मजदूरों को अपने क्षेत्र के आसपास रोजगार उपलब्ध करवाना मेन मुख्य है कि मजदूरों को आसपास, ताकि मजदूर क्या करें, एक राज्य से दूसरे राज्य में रोजगार के लिए ना जाए, उसको रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने ये लागू किया है राजस्थान पोर्टल योजना, कौशल पोर्टल योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना MMYKY राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा ये चीज देखी जा रही है। राजस्थान स्किल एंड लाइवहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, इस विभाग के तत्वाधान में ये योजना लागू की गई है और जो है ये गहलोत सरकार द्वारा लागू की गई है। और जो अशोक चांदना है, युवा मामले एवं खेल मंत्री हैं, युवा मामले, कॉलेज के विद्यार्थियों को कौशल प्रशिक्षण देना, कॉलेज की जो स्टूडेंट है, थर्ड ईयर की जो स्टूडेंट है, उनको इसमें कौशल प्रशिक्षण देना। इसमें 39 प्रकार के कोर्सेज शामिल हैं और इस कोर्सेज की 3 महीने तक निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाएगी। केवल ये कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं और थर्ड ईयर में हैं, उनके लिए ये योजना है। ठीक है, राजस्थान और मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना। ठीक है, तीसरी जो योजना आती है जन आधार कार्ड। जो जन आधार कार्ड योजना है दोस्तों, 1 अप्रैल 2020 से भामाशाह कार्ड को बदलकर इसको जन आधार कार्ड कर दिया है। आपको पता ही होगा कि जन अब जो है भामाशाह कार्ड वैलिड नहीं रहेंगे, उसकी जगह पर जन आधार कार्ड लागू कर दिया गया है। राजीव गांधी जल संचय योजना। राजीव गांधी जल संचय योजना 2019-20 के बजट में जो है वसुंधरा सरकार की, 2015 की जो है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना जो है, उसकी जगह पर ये योजना लागू की गई है। इसमें जो है पानी को एकत्रित करना, यानी कि वर्षा के पानी को एकत्रित करना, वृक्षारोपण, टांके, मेढ़बंदी निर्माण, टूटे फूटे तालाबों का निर्माण, बावड़ियों का निर्माण, इस तरह से जो भी चीजें हैं वो सब इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित है। राजीव गांधी जल संचय योजना 2019-20 बजट में इस योजना को लागू किया गया था। विकास पथ, पांचवी जो योजना है विकास पथ है, ये वसुंधरा राज्य के ग्रामीण गौरव पथ, यानी ग्रामीण गौरव पथ, मई 2015 में ये योजना लागू की गई थी। इस योजना को बदलकर गहलोत सरकार ने 2019-20 के बजट में इस योजना का नाम विकास पथ रख दिया। क्या रख दिया इसका नाम? विकास पथ, ग्रामीण गौरव पथ को बदलकर विकास पथ रख दिया। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जो है CC रोड का निर्माण करना है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में CC रोड का निर्माण करना है। छठी जो योजना आती है पोष से राशन योजना। पोष से राशन योजना, आपने देखा होगा कि गांव या शहरों में जब हम राशन राशन लेने जाते हैं, गेहूं लेने जाते हैं, तो वहां पर एक पोष मशीन होती है, तो आपके अंगूठे या फिर मोबाइल में OTP के द्वारा आपको जो है गेहूं दिया जाता है, आपको जो है गेहूं दिया जाता है OTP के द्वारा, या फिर आपका जो थंब इम्प्रेशन बोलते हैं अंगूठे से आपको वो दिया जाता है। ठीक है, ये वसुंधरा सरकार द्वारा लागू की गई थी 2015 में। राशन की कालाबाजारी को रोकने और जरूरतमंद को ही राशन मिले, इससे क्या होगा कि जिसको जरूरत है वो ही इससे राशन लेगा। सपोज दैट कि मान लो गांव में है कोई, गांव का राशन कार्ड बना हुआ है और वो शहर में रह रहा है, उसको जरूरत ही नहीं है उस चीज की, तो वो नहीं लेगा। अगर उसने नहीं लिया तो वो जो नुकसान है सरकार को ना हो, तो एक्चुअल डाटा सरकार को मिले, उसके लिए ये योजना लागू की गई थी। शुभ शक्ति योजना 1 जनवरी 2016 को लागू की गई थी ये योजना। शुभ शक्ति योजना, अविवाहित महिलाओं एवं हितकारी श्रमिकों की बेटियों को 55,000 रुपये की आर्थिक मदद। इसमें जो है इनकी बेटियों को क्या है, जिनका विवाह विवाह के टाइम पे, विवाह के टाइम पे आर्थिक मदद देना श्रमिकों की बेटियों को। राजस्थान अंबेडकर फेलोशिप योजना। राजस्थान अंबेडकर फेलोशिप योजना जो है वसुंधरा सरकार द्वारा 125वीं जयंती, अंबेडकर साहब की 125वीं जयंती पर 2017 में इस योजना को लागू किया था। 2017 में इस योजना को लागू किया था उनकी जयंती पर। इसके तहत SC कैटेगरी के विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि के तौर पर 3 वर्ष के लिए 15,000 रुपये, 3 वर्ष के लिए 15,000 रुपये की राशि दी जाएगी। किसको? केवल SC कैटेगरी के लिए विद्यार्थियों को, जो विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, PhD कोर्स कर रहे हैं। तो ये थी हमारे आज की राजस्थान की कुछ योजनाएं।
मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।